टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 23 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेलेगी। दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफ़ी खास है, ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। पिछले साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो पाकिस्तान की टीम पलटवार करते हुए टीम इंडिया को 10 विकेट से हराने में सफल हुई थी। टीम इंडिया को पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल खेले गए मुकाबले में इस खिलाड़ी ने अकेले दम पर पाकिस्तान की टीम को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। टीम इंडिया को मोहम्मद रिजवान से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। मोहम्मद रिजवान टीम इंडिया के खिलाफ अब तक खेले 3 T20 इंटरनेशनल पारियों में 96.50 की औसत से 193 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130.40 का रहा है। मोहम्मद रिजवान टीम इंडिया के खिलाफ 2 अर्धशतक भी जड़े हैं, ऐसे में टीम इंडिया को मोहम्मद रिजवान से सतर्क रहने की ज़रूरत है। पिछले साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान ने टीम इंडिया के खिलाफ 55 गेंदों का सामना करते हुए 143.64 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 79 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले थे। मोहम्मद रिजवान ने एक छोर को संभालते हुए अकेले दम पर टीम इंडिया को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में टीम इंडिया को मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाने की जरूरत है। हाल ही में खेले गए एशिया कप 2022 में भी मोहम्मद रिजवान ने टीम इंडिया के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की है। रिजवान ने एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाफ एक मुकाबले में 71 रन तो दूसरे मुकाबले में 43 रन की पारी खेली थी। ऐसे में अब उम्मीद है कि टीम इंडिया मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाकर गेंदबाजी करेगी और उनको जल्द ही पवेलियन भेजकर पाकिस्तानी टीम को दबाव में लाने की कोशिश करेगी। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की तैयारियों पर नज़र डालेंगे तो T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की भिड़ंत 23 अक्टूबर को एक बार फिर होगी। ऐसे में अब देखना है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने में सफलता हासिल करती है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-3 मैचों की T20 सीरीज खेली है। टीम इंडिया दोनों टीमों से ही सीरीज जीतने में सफल हुई है, जबकि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज खेली है। इंग्लैंड की टीम 4-3 से सीरीज जीतने में सफल हुई, यानी कि पाकिस्तानी टीम सीरीज हार गई थी। खास बात यह है कि यह सीरीज पाकिस्तान के ही मैदान पर खेला गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया की तैयारी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। अब देखना यह है कि 23 अक्टूबर को दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी तो इस बार बाजी कौन सी टीम मारती है। T20 इतिहास पर जब आप गौर करेंगे तो अब तक दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में टीम इंडिया जीत दर्ज करने में सफल हुई है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है। एक मुकाबला पाकिस्तान की टीम जीतने में सफल हुई है। टीम इंडिया अगर मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी को रोकने में सफल हो जाती है तो आधा मुकाबला जीतने में सफल हो जाएगी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टीम से सलामी बल्लेबाजी करते हैं और टीम को न सिर्फ अच्छी शुरुआत देते हैं बल्कि टीम को जीत तक ले जाते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाकर गेंदबाजी करना। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।